हे गाइस, वेलकम बैक टू केशव भैया। दो मिनट मेरी बातों को ध्यान से सुन लो। आज की वीडियो में हम फ्लैमिंगो बुक में तुम्हारे जितना भी पोएम्स है, सारे पोएम्स के हार्ड वर्ड्स या फिर कीवर्ड्स बोलो, उन सबको देखने वाले हैं। अब तुम्हें ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, जब तुम्हारा पोएम से क्वेश्चन आएगा रिलेटेड, तब तुम जब आंसर लिखोगे ना, तब तुम्हें इन हार्ड वर्ड्स का मेंशन करना पड़ेगा। क्योंकि अगर तुम हार्ड वर्ड्स का मेंशन क्वेश्चन के आंसर में करोगे, तभी टीचर को लगेगा कि इसने चैप्टर को पढ़ा है, एंड तब वो तुम्हें पूरे नंबर देगा। राइट, देखो पोएम जो होता है ना, उसमें तो हार्ड वर्ड्स से कीवर्ड जो अभी मैं बताऊंगा उससे काम चल जाता है, लेकिन जो तुम्हारा विस्तस और फ्लैमिंगो बुक होता है उसमें तुम्हें की फ्रेजेस याद रखने होंगे, की लाइंस याद रखने होंगे। अगर तुमने याद नहीं किया है तो मतलब अब देखो लास्ट दिन बचा है, तो मैं डिमोटिवेट नहीं करना चाहता, फिर भी तुम्हारे अच्छे नंबर आ सकते हैं। तुम अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर रखना। हो सकता है जब टीचर तुम्हारा अगर बहुत ज़्यादा खड़ूस मिल गया, मतलब सॉरी ऐसे बोलना नहीं चाहिए, बट जो तुम्हारा पेपर चेक कर रहा है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट मिल गया, तो हो सकता है वो थोड़े बहुत नंबर काट ले। लेकिन अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, तुम्हें सब कुछ आता है, तो तुम उसमें भी अच्छे नंबर लाओगे। इस वीडियो में मैं कीवर्ड्स को तो एक्सप्लेन करूंगा ही, साथ में तुम्हें थीम भी दिखा दूंगा, और अगर तुम्हें इसका पीडीएफ चाहिए तो वो तुम्हें एडुकेशनल भैया ऐप में देखने को मिल जाएगा। तुरंत नहीं, जब वीडियो अपलोड होगा उसके एक या डेढ़ घंटे बाद तक तुम्हें अवेलेबल हो जाएगा। तो जाके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके डाउनलोड कर सकते हो। चलो ज़्यादा बकवास नहीं करते, सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं। हमारा सबसे पहला पोएम है माय मदर एट 66, जिसमें सबसे पहला वर्ड है एसेन। इसका मतलब होता है पेल। एसेन का मतलब होता है पेल। पेल का मतलब क्या होता है? कलरलेस होना, बहुत ही डल होना। ओके, बिसाइड का मतलब अलोंगसाइड, मतलब मेरे बिसाइड में आके सिट, बिसाइड मी मतलब मेरे बगल में आके बैठ जाओ। राइट, फिर कॉप्स का मतलब सबको पता है डेड बॉडी होता है। डोज का मतलब होता है नैप लेना। डोज का मतलब नैप लेना। ओके, पेल अभी बताया, डल, कलरलेस। स्पेलिंग का मतलब लेट आउट, बाहर निकालना। ठीक है, स्प्रिंटिंग का मतलब होता है फास्ट मूव करना। वैन का मतलब होता है डीम या फिर वीक। वैन का क्या मतलब होता है? डीम या फिर वीक भी लिख सकते हो। ये तुम्हारा थीम है माई मदर एट 66 का। इसे मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। अगर तुमने अभी तक मेरे पोएम का वन शॉट वीडियो नहीं देखा तो जाके देख लो, उसमें हर चीज डिटेल में लाइन बाई लाइन, वर्ड बाई वर्ड है। ठीक है, अब आते हैं आगे। अ रोड साइड स्टैंड। बीस्ट ऑफ प्रे का मतलब होता है एन एनिमल किलिंग अदर एनिमल, एक एनिमल दूसरे एनिमल को खा रहा है। सेकेंड होता है बेनिफिशियंट, जेनरस होना। क्रॉसली का मतलब होता है एंग्री वे में कुछ करना, गुस्से में। ओके, डोल ऑफ ब्रेड मतलब छोटा सा पीस ऑफ ब्रेड। इन वेन मतलब जब तुम्हें किसी चीज़ का रिजल्ट नहीं मिले, किसी चीज़ का सक्सेस नहीं मिले। किन का मतलब होता है रिलेशन में यूज करते हैं, KIN। लक का मतलब होता है लक्स नियर द शैडो, जहाँ पे टाइगर वेट कर रहा था हिरन का, तो इसका मतलब होता है टू वेट समवेयर सीक्रेटली, किसी का वेट करना चुपके से, कहीं पे चुपके से वेट करना या सीक्रेटली वेट करना। मेड का मतलब होता है स्पॉइल्ड, उसके नीचे होता है आउट ऑफ देयर विट्स, मतलब डरा हुआ होना या टेरिफाइड स्टेट में होना। उसके बाद आता है पैथेटिकली, मतलब बहुत ज़्यादा बुरे कंडीशन में होना। ठीक है, बहुत सैडनेस में होना, बहुत बुरे कंडीशन में होना। प्लो का मतलब होता है जल्दी जल्दी मूव करना। उसके बाद आता है रिक्विशिट। रिक्विशिट का मतलब होता है रिक्वायर्ड या फिर नीडेड। सेन का मतलब होता है सेंसिबल। स्क्वायर्स का मतलब फ्रूट होता है। ठीक है, मैंने तुम्हें दिखाया था स्क्वायर्स, उसको क्या बोलते हैं, पम्पकिन टाइप का ही होता है कह सकते हो। उसके बाद आते हैं वर्ड्स। वर्ड्स क्या होता है? अ स्मॉल ग्रोथ ऑन द आउटर सर्फेस। वर्ड्स का मतलब होता है स्मॉल ग्रोथ ऑन द आउटर सर्फेस। आउटर सर्फेस में जहाँ स्मॉल ग्रोथ होगा वहाँ पे तुम वर्ड्स का यूज कर सकते हो। वर्ड्स स्क्वायर्स का यूज किया गया था, राइट, तो स्क्वायर्स में ग्रोथ होता है वैसा, तो वहां पे हमने यहाँ वर्ड्स का यूज किया गया था। ठीक है, ये तुम्हारा अ रोड साइड स्टैंड कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट आते हैं, ये तुम्हारा थीम है अ रोड साइड स्टैंड का। स्क्रीनशॉट ले लो 1, 2, 3। बाकी तुम्हें पीडीएफ तो मिल ही जाएगा नीचे, तुम देख सकते हो। बाकी तुमने वन शॉट वीडियो देख लिया होगा, तुम्हें सब कुछ क्लियर होगा। ऑब्वियसली थीम ऑफ द चैप्टर एंड चैप्टर का डिटेल एक्सप्लेनेशन। उसके बाद हम आ जाते हैं अ थिंग ऑफ ब्यूटी में, जिसमें तुम्हारा सबसे पहला है बुन। बुन का मतलब होता है ब्लेसिंग। दूसरा होता है बावर। बावर का मतलब होता है सैडी रीजन अंडर अ ट्री। ब्रेक का मतलब होता है किसी प्रोसेस को स्लो डाउन करना। ब्रिक का मतलब होता है एज। डिस्पॉन्डेंस का मतलब होता है डिप्रेस्ड। उसके नीचे है ग्लूमी। ग्लूमी का मतलब होता है सैड। ठीक है, इसके अंदर बाद आते हैं ग्रैंडियोर। इसका मतलब होता है हाई रैंक। ठीक है, हाई रैंक किसी को मिलता है तो वहाँ पे ग्रैंडियोर का यूज करते हैं। इमॉर्टल का मतलब होता है जो कभी मरे नहीं। माइटी का मतलब इनॉर्मस, बिग, ह्यूज, कुछ भी बोलो। मोरो का मतलब होता है द फॉलोइंग डे। टुमोरो का मतलब होता है कल। ठीक है, मोरो का मतलब आज का दिन। ठीक है, उसके बाद आते हैं रिल्स। रिल्स में होता है, रिल्स का मतलब होता है स्मॉल स्ट्रीम ऑफ वाटर भी हो सकता है। उसके बाद आते हैं वेदरिंग। वेदरिंग का मतलब होता है टू सराउंड, टू इन सर्कल। ठीक है, हम आते हैं अगला ये तुम्हारा हो गया अ थिंग ऑफ ब्यूटी का, जो तुम्हारा थीम है। तुम देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नीचे पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद हम आते हैं आन जेनिफर्स टाइगर में। सॉरी एक सेकेंड, हाँ, सबसे पहला है सिविलरिक। सिविलरिक का मतलब होता है जेंटलमैन जैसा बिहेव करना या जेंटलमैन होना। उसके बाद आता है डेनिजेंस। डेनिजेंस का मतलब जो एनिमल्स एक पर्टिकुलर प्लेस में फाउंड होते हैं उनको कहते हैं डेनिजेंस। उसके बाद आता है फ्लटरिंग। फ्लटरिंग का मतलब होता है टू मूव इन क्विक इररेगुलर मोशन एज इफ बीन एगिटेटेड, मतलब जल्दी जल्दी मूव करना लेकिन बहुत ही इररेगुलर मोशन में।
ओके उसके बाद ऑर्डरल्स मतलब बहुत ही खराब एक्सपीरियंस जब होता है तब वहां पे हम लोग ऑर्डरल्स का यूज करते हैं। प्रांसिंग का मतलब होता है टू मूव अराउंड प्राउडली, ठीक है, बहुत प्राउडली मूव करना। उसके बाद स्लीक का मतलब होता है एलिगेंट, बहुत अच्छा होना या एलिगेंट होना। टोपाज का मतलब होता है अ ब्राइट येलो कलर्ड स्टोन। टोपाज तुमने देखा होगा, जैसे ये देखो, ये टोपाज नहीं है, ओके तुम्हें दिख रहा होगा कि नहीं, ये दिस इज सम इसे रूबी कहते हैं, ठीक है, तो रूबी इसे कहते हैं, लेकिन टोपाज जो होता है ना वो येलो कलर का दिखता है, ये जैसे पिंक कलर का दिख रहा है तो वो भी एक तरह का स्टोन होता है। उसके बाद होता है प्रांस। प्रांस का मतलब होता है वॉक और मूव अराउंड विद हाई स्प्रिंगी स्टेप्स, जंप कर करके मूव करना, बेसिकली उसको प्रांसिंग कहते हैं, ठीक है। मेरा माइक तो ठीक है ना, ओके ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, ये तुम्हारा आंट जेनिफर्स टाइगर का थीम हो गया, तुम देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, टाइम दे दिया, अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आते हैं कीपिंग क्वाइट, इसमें ज़्यादा तुम्हारा कीवर्ड्स है ही नहीं, एक्जॉटिक होता है बस, अनयूजुअल या फिर कुछ स्ट्रेंज है तो वहाँ पे तुम एक्जॉटिक वर्ड का यूज़ करते हो, मतलब एक्जॉटिक का मतलब ये होता है अनयूजुअल होना या फिर स्ट्रेंज होना। इंटरप्ट का मतलब होता है ब्रेक करना, बस इतना ही है। कीपिंग क्वाइट तुम्हारा सबसे ईजी पोएम है कह सकते हो। एक चीज़ ध्यान रखना, ठीक है, अ रोड साइड स्टैंड इस साल एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, इसका मतलब उससे क्वेश्चन आना पक्का है, ठीक है, उसको अच्छे से पढ़ के जाना, बाकी सब पोएम्स को भी पढ़ना ही, बट मैं बस बता दे रहा हूँ। उसके आगे फिर ये तुम्हारा थीम हो गया कीपिंग क्वाइट का, ओके, और ऐसे तुम्हारा ये वाला वीडियो खत्म होता है। आई होप सो तुम्हें हेल्प मिला होगा। ये सारे का पीडीएफ देख लेना, मतलब इनका पीडीएफ मैं नीचे डाल दूंगा, एप्लीकेशन में जाकर तुम खोल के देख सकते हो, अदरवाइज तुम स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है, तुम्हारा जो मन करे तुम कर सकते हो। लव यू ईबी फैमिली, आई होप सो कि तुम्हें हेल्प मिला हो, और कुछ नहीं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।